दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो रशिया के द्वारा जो चार्नोबिल है उसे सीज किया गया है। चार्नोबिल आप सभी को याद होगा या फिर आपने पढ़ा होगा कि वहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर बहुत बड़ा हुआ था, जिसके जो रेडिएशन है उसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हुई थी और इसी वजह से ये जो एरिया है वो भी इनहैबिटेड हो गया था। तो यहाँ पर रशिया के द्वारा क्यों इसे सीज किया गया है, उसी चीज को हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो रशिया है उसने यूक्रेन के साथ उसकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो हमें देखने को मिलती है। बेसिकली उनके बाउंड्री के पास ईस्टर्न साइड में अगर हम देखते हैं तो डोनेट्स्क और लुहांस जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहां पर प्रो रशियन लोग देखने को मिलते हैं और यहाँ पर यूक्रेन के द्वारा जिनोसाइड किया जाता है, ऐसा रशिया के द्वारा कहा गया और इसी वजह से रशिया ने फुल फ्लेज वॉर यूक्रेन के अगेंस्ट में डिक्लेयर कर दिया। अब जब डिक्लेयर किया है तो यहाँ पर यूरोपियन जो कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएसए, वो रशिया का यहाँ पर अपोज कर रही है। अब रशिया जो है उसे क्या चाहिए, जब उसने फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो उसे जो कैपिटल है, क्योंकि जो भी कंट्री किसी देश के अगेंस्ट में फुल फ्लेज वॉर डिक्लेयर करती है तो उसकी जो कैपिटल है उस पर होल्ड जमाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो कीव यूक्रेन की कैपिटल है उस पर कब्जा करने की कोशिश यहाँ पर रशिया के द्वारा की जा रही है। अब उसके लिए सभी साइड से रशिया जो है वो यहाँ पर घुसपैठ कर रहा है, जिससे कि जो कैपिटल है वहां तक आसानी से पहुंच सके। अब वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर चार्नोबिल जो है वहां क्यों उसने यहाँ पर जो है वो कब्जा जमाया है, उसे समझने से पहले हम चार्नोबिल डिजास्टर क्या है वो जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइसेस में, जहां पर आपको बहुत ही सटीक तरीके से जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस है वो देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड जो पढ़ाई है वो देखने को मिलती है। काफी दिलचस्प तरीके से वीडियोस बनाए गए हैं, इसलिए डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर बेसिकली चार्नोबिल अगर आप देखोगे तो वहां पर पावर प्लांट जो है उसमें वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को मिला था 1986 में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो स्केल है इस न्यूक्लियर डिजास्टर का, इस ट्रेजेडी का, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय पर जो हिरोशिमा नागासाकी है वहां पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब फोड़े गए थे, 400 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिले थे। तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा रेडिएशन, कितने हानिकारक रेडिएशन, कितने दूर तक यहाँ पर स्प्रेड हुए होंगे, जिससे कि जो लोग हैं, क्योंकि काफी सालों तक लोग जो है वो इसे सफर कर रहे थे, मतलब इमीडिएट जो लॉस हुआ था ह्यूमन लाइफ वो तो हुआ ही था, उसी के साथ साथ काफी लोगों को उसके बाद भी जो कैंसर है, इस तरीके की बीमारियां जो है वो हुई थी, जिसकी वजह से ये पूरे एरिया को इनहैबिटेड कर दिया गया था। एक्सीडेंट के बाद जो चार्नोबिल है एक्सक्लूजन जोन यहाँ पर बन गया था, मतलब बेसिकली 32 किलोमीटर अगर हम देखते हैं रेडियस, ये यहाँ पर लार्जली अनइनहैबिटेटेड जो है वो देखने को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि रशिया जो उसे चार्नोबिल को कैप्चर क्यों किया, क्या कारण है उसके पीछे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जो चार्नोबिल है वो आपको वहां पर मार्क किया हुआ देखने को मिल रहा है और उसी को लगकर जहां पर आपको रेड एक डॉट दिखाई दे रहा है वहां है उसकी कैपिटल, यूक्रेन की कैपिटल। ऊपर साइड हमें बेलारूस देखने को मिलता है। अब रशिया क्या कर रहा है, बेलारूस के जरिए जो कैपिटल है वहां आने की कोशिश कर रहा है और जो चार्नोबिल है उसको उसने इजीली यहाँ पर कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के साथ साथ अब उसके लिए इजी हो गया है कि वो जो कैपिटल है कि वहां तक इजीली पहुंच सकता है। तो बेसिकली जो कैपिटल है उसको कैप्चर करने के लिए जो चार्नोबिल है उसको सीज किया गया है रशिया के द्वारा। और हाल ही में हमें देखने को मिला है कि जो कीव है, कैपिटल है, वहां पर भी जो गैस पाइपलाइन है उसको बर्स्ट किया गया रशिया के द्वारा। तो काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो चार्नोबिल है वहां से जो कीव है, जो कैपिटल है, वो सिर्फ 180 किलोमीटर के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि अगर चार्नोबिल के पास यहाँ पर रशिया पहुंच चुकी है, रशियन आर्मी पहुंच चुकी है, तो जो कैपिटल है वहां तक पहुंचने में भी उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हमने कई सारे ऐसे भी वीडियोस, वायरल वीडियोस देखे हैं जहां पर जो कीव है उन सड़कों पर जो आम नागरिक है वो भी अब वेपन्स लेके खड़े हैं कि रशिया अगर अटैक करने की कोशिश करता है तो जो आम नागरिक है वो भी उसे रिटेलिएट करेंगे, जो इन्वेडर्स हैं उनको रिटेलिएट करेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है और यही कारण है कि जो चार्नोबिल है उसको यहाँ पर रशिया के द्वारा सीज किया गया है।
मतलब चार्नोबिल को कैप्चर करने के बाद अब रशिया जो है उसके पास एक सिक्योर्ड रूट यहां पर बन जाता है यूक्रेन तक पहुंचने के लिए। जो ग्राउंड फोर्सेस है अब इजीली जो कैपिटल सिटी है वहां तक पहुंच सकते हैं, और एक बार अगर कैपिटल को कैप्चर कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद जो यूक्रेन है वो यहाँ पर रशिया के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो यूक्रेनियन ऑफिशियल जो है उन्होंने वार्न किया है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज जो है, क्योंकि न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है वो भी उतना ही हानिकारक होता है, उसके रेडिएशन जो है वो भी उतने ही हानिकारक होते हैं, और उसके सराउंडिंग में अगर कोई भी आता है तो रेडिएशन की वजह से उन्हें भी हानि पहुंच सकती है। और इसीलिए यूक्रेनियन ऑफिशियल जो उन्होंने वार्न किया है कि डैमेज जो है न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी को, अगर गलती से उसे डैमेज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो जो चीजें होती है उसे सही तरीके से अगर डिस्पोज करना है और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो रेडिएशन बहुत तेजी से फैलते हैं। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव डस्ट जो है वो यूक्रेन के अक्रॉस यहाँ पर स्प्रेड हो सकता है, बेलारूस में भी जा सकता है और यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी जो रेडिएशन है वो पहुंच सकते हैं, और अगर रेडिएशन पहुंच जाते हैं तो जो जनता है जो लोग है उनके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा हानि जो है वो हो सकती है, मतलब परमानेंट लॉस हो सकता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रशिया ने क्यों चार्नोबिल जो है उसको सीज किया, और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर रशिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो अब आगे की रणनीति क्या होगी उस पर अपडेट जो है वो मैं आपको करता रहूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब जो है चैनल को जरूर कीजिए, उसी के साथ साथ डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप, या फिर विजिट कर सकते हो आप themmacademy.in ये वेबसाइट पर। यहाँ पर भी आपको जो वेरियस कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट लोएस्ट प्राइस में, मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।